ऊना में बिजनेस ने आबकारी एवं कराधान विभाग के गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स की चोरी के मामले में एक साइबर कैफे पर बिजनेस ने दबिश देकर वहां से 22 फर्जी चालान बरामद किए हैं। ये चालान कंप्यूटर पर तैयार किए जाते थे। कैफे से 2 कंप्यूटरों को भी कब्जे में ले लिया गया है। कैफे चालान वाले युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में गुड्स टैक्स घोटाला मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग पर ही मामला दर्ज किया गया है और इसके कर्मचारियों पर भी मिली वक्त की आशंका है। अब इसी मामले में जांच के बाद एक कैफे से 2 कंप्यूटर सहित वहां से 22 फर्जी चालान बरामद किए हैं। आरोप है कि इन कंप्यूटर से फर्जी चालान तैयार किए जाते थे। अधिकारी की माने तो जिले में कुछ साइबर कैफे वाले भी फर्जी चालान तैयार कर रहे हैं और दस्तावेज से टाइपराइटिंग कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। विभाग ने कैफे से बरामद किए 2 कंप्यूटर को कब्जे में ले लिया है और अब उसकी जांच की जाएगी। इससे पहले विजिलेंस आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में दबिश दी थी। इस दौरान पैसेंजर और गुड्स टैक्स के हजारों चालान कब्जे में ले लिए गए हैं। इन चालानों और टैक्स से संबंधित रिकॉर्ड को भी कब्जे में ले लिया गया है। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में टैक्स चोरी और हेराफेरी करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाए जाने की संभावना है। जिस तरह से चालानों पर टेप राइटिंग पाई गई है उससे संभावना है कि ये धंधा वर्षों से चलता आ रहा है। इसमें विभागीय लोगों की भी मिली वक्त की संभावना बताई जा रही है। विजिलेंस ये भी छानबीन कर रही है कि अरसे से जाली चालान विभाग के रिकॉर्ड में जमा होते रहे लेकिन उसकी पड़ताल क्यों नहीं की गई। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी खाते में हजार तो चालान पर अंकित 10,000 टैक्स के चालानों की राशि में आ रहे भारी अंतर से विभागीय कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि जिन चालानों के तहत सरकारी खजाने में 1,000 रुपए जमा हुए हैं उनकी आबकारी एवं कराधान महकमे के रिकॉर्ड में रसीद 10,000 रुपए की लगी हुई है। इनमें वास्तव में जो चालान राशि है उसे विभाग के रिकॉर्ड में जमा दिखाया गया है। इस बीच विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में लगभग साफ हो गया है कि हेराफेरी के इस मामले में अकेले विभागीय कर्मचारियों का ही हाथ नहीं है बल्कि मामले में एजेंट और वाहन ऑपरेटर्स भी शामिल हो सकते हैं। आपसी मिलीभगत से इस करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता रहा है। इन लोगों की कहां क्या-क्या भूमिका रही होगी इसका भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आबकारी एवं कराधान महकमे के स्थानीय कार्यालय से जो रिकॉर्ड कब्जे में लिए गए हैं इसकी छानबीन की जा रही है। प्रारंभिक जांच में काफी गड़बड़ी प्रतीत हो रही है। ये जो जांच चल रही थी फर्जी चालानों के बारे में इसमें ये भी पता चला कि फर्जी चालान जो शुरुआती जांच थी उसमें तो जो हाथ से चालान लिखे जाते थे वो जांच उनके बारे में थी लेकिन ये जांच में ये भी आया कि जो 2016 से जो ऑनलाइन चालान भरने का जो सिस्टम शुरू हुआ तो ऑनलाइन चालानों के अंदर भी लोगों ने फर्जी चालान तैयार करके जो है वो डिपार्टमेंट को जमा किए। तो इसमें ये होता था कि मालिक से जैसे पैसा ले लिया पूरा, जैसे मालिक जो है वो आजकल क्योंकि ऑनलाइन चालान जो है वो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से जहां इंटरनेट की फैसिलिटी है वहां से वो ऑनलाइन चालान भरा जा सकता है, पेमेंट की जा सकती है गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट ट्रेजरी की वेबसाइट पे जाके। तो जैसे कोई ट्रक का मालिक है वो साइबर कैफे में चला जाएगा, वो वहां पे उसको बोलेगा कि मेरा ये पेमेंट कर दीजिए तो वो उससे पैसे ले लेता है साइबर कैफे वाला और चालान जो है वो भर देगा, उसको एक वहां से प्रिंट करके उस चालान की जिसको रसीट कह सकते हैं हम उस चालान की कॉपी जो है मालिक को पकड़ा देता है। तो वो उस कॉपी को मालिक जो है वो विभाग को जमा कर देता है कि वो प्रूफ हो जाता है कि उससे वो गुड्स टैक्स उसने जमा कर दिया है। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा जो पाया गया है इसमें कुछ साइबर कैफे वाले जो उन्होंने चालान निकाले हैं वो फर्जी हैं। फर्जी यानी मालिक से उन्होंने पैसा ले लिया तो किसी और जो उसको चालान पकड़ाया वो फर्जी है। वो क्या करते थे कि एक किसी ओरिजिनल चालान को अपने किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन से एडिट करके उसमें जो चालान का नंबर होता है हिम GRN नंबर जो रहता है चालान का यूनिक नंबर होता है वो पुराने किसी चालान का उठा के वो उसमें जो है वो डाल देते थे और उसी पुराने चालान को एडिट करके उसमें उस नए मालिक का नाम पता उसके व्हीकल का नंबर आदि डाल करके उस तरह से एक फॉर्ज चालान निकाल करके उसका प्रिंट निकाल के वो मालिक को दे देते थे। तो मालिक को पता नहीं चलता था, विभाग ने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया अभी तक। तो जब ये चीज सामने आई है अभी जांच में तो कल
एक साइबर कैफे पे हमने ये जो रेड की थी उसके 2 कंप्यूटर सिस्टम को हमने कब्जे में लिया है। उसके पास वहां से बरामद हुए उसके साइबर कैफे से 21-22 चालान हैं जो फर्जी चालान की कॉपियां वहां पड़ी हुई थी वो हमने जब्त कर ली है।